दारू के साथ चखना वाइन ही है ना, नॉन अल्कोहलिक हो तो क्या हुआ, वाइन ही है ना, पाम वाइन, फिर चखना प्योर वेज। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं लाइफ टू एक्सप्लोर में, डे टू ऑफ अवर बेंगलोर रोड ट्रिप। हम कल ब्रह्मपुर से निकले, विजयवाड़ा तक पहुंचे, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास, मतलब 600 से अबव हो गया, 620 ऐसा कुछ है। वो राइड करने के बाद हम विजयवाड़ा में एक फेव होटल मिला, आरआर ग्रांड करके, हाईवे के पास 800 मीटर्स, उधर रुक गए। और आज वाला जो जर्नी है, आज जाएंगे तिरुपति तक। वैसे हम बेंगलोर तक ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन बेंगलोर में लॉकडाउन चल रहा है, वीकेंड लॉकडाउन, तो उधर पहुंच के कुछ फायदा नहीं है। तो हम तिरुपति तक पहुंच जाएंगे, तिरुपति से अर्ली मॉर्निंग निकल के मंडे मॉर्निंग हम बेंगलोर में पहुंचेंगे, ये प्लान है। फिलहाल ये लोग रेडी हो रहे हैं, आयुष्मान मानी रेडी हो गया ना, आयुष्मान, आयुष्मान सबसे लास्ट रेडी होता है। इधर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं, लंच प्रिपेयर करेंगे किधर बीच में रुका के। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, अभी सीधा लंच के लिए रुकाएंगे। लगभग 200-250 किलोमीटर क्रॉस करना चाहिए ना, मतलब 4 घंटे तो चलाएंगे चलाएंगे। जनरली हम कैसा करेंगे, करते थे सुबह सुबह निकल जाते थे, किधर भी रुकते थे तो 4:30-5 बजे से उठ के निकल जाते थे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो जाता था। अभी ट्रैफिक तो मिलेगा ही, क्योंकि ये पता नहीं गूगल मैप किधर किधर से होके दिखाएगा। फिर हमको जाना है नेशनल हाईवे 16 और उधर से हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो हम रूट फॉलो कर रहे हैं, उड़ीसा से निकले ब्रह्मपुर, वाइजाग, विजयवाड़ा, उसके बाद गुंटूर, नेल्लोर, सॉरी ओंगोल, नेल्लोर, तिरुपति, ऐसा होके कोलार होके बेंगलोर, वो वाला रूट फॉलो कर रहे हैं और तिरुपति के आसपास किधर देख के रुकेंगे। अभी चलो ड्राइव पे फोकस करते हैं सीधा। फाइनली आ गए नेशनल हाईवे 16 पे, अभी तो कोई टेंशन नहीं है। पूरा नायडू पेटा तक हम ये नेशनल हाईवे 16 में कंटिन्यू करेंगे। नायडू पेटा से डाइवर्सन हो रहा है टूवर्ड्स तिरुपति, वो वाला रोड भी अच्छा है फिलहाल तक, मतलब अभी तक तो रोड काफ़ी बेहतरीन मिला हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में थोड़ा बहुत डाइवर्सन से, क्योंकि काम चल रहा है, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बढ़िया है। देखो आ गया तो नेशनल हाईवे टच करते ही, बिना टोल का कुछ होता है क्या? बिना पैसे का लाइफ में कुछ नहीं मिलता, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। जितना किलोमीटर नहीं हो उतना ज्यादा टोल ही लग जाता है, कम से कम 1.5 मतलब 1 रुपया 50 पैसे के आसपास लगता है हाईवे में टोल के चार्जेस। चलो अभी सीधा लंच में रुकाएंगे, फिर करेंगे हमारा लंच। ताड़ी, ताड़ी ट्राई करते हैं, आई थिंक ये पाम ट्रीज का ना, पाम ट्रीज का एक ड्रिंक बनता है, पूछा तो बच्चा पी सकता है, मतलब ये नशा वाला नहीं है, नॉर्मल वाला है। 2 लीटर वाला क्या? 2 लीटर नहीं है, 1 लीटर दे दो चलेगा, 1 लीटर। हाँ
वन लीटर कितना? एक एक मग को 30 रुपए 30 रुपया ओके मगल बढ़ता आता ओके बाद में मालूम पड़ा इधर उधर घूम रहा है सर टेस्ट बढ़िया यार मतलब स्वीट सॉर बहुत बढ़िया मतलब बचपन में पिया था मतलब स्कूल के टाइम पे पिया था लेकिन इसमें ना वो दारू भी बनता है इसलिए मेरा कंफ्यूजन है कि वो तो नहीं है केरला में मिलता है ना कौन सा बोलते हैं ताड़ी ताड़ी नहीं केरला में वो कौन सा मैं नाम भूल गया वो पिए थे मैं नाम भूल गया एक्चुअली केरला में वो बहुत फेमस है ये पाम ट्री से होता है एक्चुअली उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग था ये थोड़ा अलग है लेकिन पूछा कि बच्चे लोग भी पी सकते हैं तो लगा कि ये सेफ है कोई टेंशन नहीं बहुत बढ़िया टेस्ट है लेकिन तो नींद आएगा तो लगा के टेंट वेंट तो सो ही जाएंगे और क्या करेंगे ऐसे ही तो कल जाना है बेंगलोर कल जाना जल्दी तो है नहीं और कितना हमको और 200 किलोमीटर अभी ड्राइव करना है बीच में रुकाएंगे वैसे खाना वाना बनाएंगे चलो हो गया थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट लेट्स कंटिन्यू जैसे ही क्रॉस करेंगे ना बहुत सारा पाम ट्रीज है वैसे और आपको दिख जाएंगे पूरा लोग लाइन पे ये बैठ रहे हैं एक अनोखा एक्सपीरियंस है अच्छा तो लगा यार बहुत अच्छा लगा टेस्ट तो बहुत बढ़िया है बहुत गए जंगल में ये जो फॉरेस्ट है ना नीलगिरी नीलगिरी ट्री तो नहीं है ये कुछ तो अलग ट्री बोलते हैं ना आकाश है क्योंकि मैं इसका पत्ते का ना स्मेल किया तो नीलगिरी वाला स्मेल नहीं आ रहा है फॉरेस्ट ऐसा लग रहा है शायद ये जो पेपर प्लांटेशन के लिए जाता है ना पेपर प्रोडक्शन के लिए प्लांट में जाता है ये सारे ट्रीज तो वही वाला है हाईवे से सक के हाईवे काफ़ी दूर है इधर से ऐसे एक जगह दिखा मस्त सीनिक तो आगे आज इधर खाना बनाएंगे आयुष्मान कुछ तो उसका ट्राई कर रहा है बोलता है कुछ आग वाग लगाएगा अगर लगाएगा तो उसको बुझाना पड़ेगा ठीक से क्योंकि जगह पूरा जैसा है ना सूखा पत्ते से भरा पड़ा है क्या बनेगा आज मिक्स वेजिटेबल और दाल खिचड़ी टमाटर डाल देंगे राइस दाल टमाटर और खिचड़ी ये मिक्स वेज सिंपल सा रेसिपी मतलब कैरेट बीन्स कॉलीफ्लावर ग्रीन मटर ये सबका कुछ फ्राई बना देगा ना फ्राई हाँ फ्राई खाली हल्दी डाल लूं डियर पकी दी थोड़ा हल्दी नमक दैट्स इट आयुष्मान का आखिर जल गया कैंप फायर ऊपर से पत्ते भी गिर रहे हैं आयुष्मान तेरे लिए बारिश हो रहा है पत्ते का ऐसे भी जिधर भी देखो पत्ता ही पत्ता है हाँ पूरा पत्ता ही पत्ता है ये गांव वाला बीन्स है ये देखो इसका साइज कैसा रहता है हमारा उड़ीसा में ये वाला सीज सिर्फ उड़ीसा में मिलता है मैं दूसरा जगह तो देखा नहीं बाकी छोटे छोटे फ्रेंच बीन्स टाइप आते हैं जैसे उड़ीसा का लोग होते हैं ना वैसे बीन्स भी है मोटा मोटा नहीं नहीं सब लोग थोड़ी हमारे जैसे होते हैं मोटे मोटे खाने में घूमने में कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए लाइफ में
नहीं नहीं होना चाहिए, हमारा थोड़ा कम है। हमारा थोड़ा कम है ना ज्यादा है? हैं? कंट्रोल कम है। खिचड़ी रेडी हो गया लगता है, आ गया सिटी। हाँ थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, चलेगा क्योंकि ये ना थोड़ा ऐसा सूखा सूखा नहीं चाहिए, थोड़ा गीला रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, ये तो हो ही गया। क्या युजमान क्या कर रहा है? कैंपर जला रहा हूँ। कैंपर जला रहा है? जल गया पूरा। जल गया, सूखा पता है ना इसलिए जल गया। गांव में ही जला रहा था, इधर ही मिल गया। बढ़िया, तुझे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है टाइम पास के लिए। तो ऐसा कैनिस्टर आता है, चेंज करना ही रहता है, इसको निकाल के दूसरा वाला नया, बस एक मिनट से भी कम का काम है। डन। क्या हालत है? ठीक ठाक। अरे बढ़िया है यार। फिर परफेक्ट, टेंशन नहीं। हो गया, क्या कलर कॉम्बिनेशन है यार, ग्रीन के साथ गाजर का कलर मस्त, रेड ऑरेंज टाइप, ऑरेंज ग्रीन वाइट गोभी का, लेकिन हल्दी के साथ तो सब मिक्स हो गया। परफेक्ट। सतरंगी कलर हो गया, हो गया। दारू के साथ चखना। वाइन ही है ना, नॉन अल्कोहलिक हो तो क्या हुआ, वाइन ही है ना, पाम वाइन, फिर चखना प्योर वेज। नॉन वेज होता तो ज्यादा अच्छा होता। पहली बार मैंने ट्राई किया, अच्छा नहीं, लग नहीं, रहा है। बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन में ट्राई किया था, उसके बाद मौका नहीं मिला था, बहुत ही अच्छा है। 100% नॉन अल्कोहल की, क्योंकि हम ये पीने के बाद तो एक घंटा चला गया है ना, मतलब मालूम पड़ जाता है। चलो खाना खाते हैं अभी। दो बज गया। देखो 40 मिनट्स में सब बन गया, 40 मिनट्स में सब बन गया, दो बज गया। हम 115-120 को शुरू किए खाना बनाना, खाना खा के निकलते हैं फिर। वाओ, होममेड पिकल, घर से आया है ये पिकल, स्पेशल वाला। ये हमारा पेड़ का ही आम है। हाँ हाँ करेक्ट, घर का ही पेड़ का आम है और घर पे भी बनाया है, पूरा होममेड हो गया, मतलब ग्रो से लेके खाने तक। आयुष्मान एज यूजुअल स्पेशल चीट। हाँ उसका ना गरम गरम था, जीभ जल गया बोल रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं करना है, थोड़ा लेट करना है। कैसा बना है? अच्छा ही बना रहेगा क्या? नमक मिर्ची तो सब ठीक है। हाँ नमक मिर्ची ठीक है तो बाकी और क्या चाहिए लाइफ में। वही थोड़ा आगे पीछे होगा तो प्रॉब्लम है। बहुत गर्म भी है। अब खाने पे फोकस, उसके बाद ड्राइव में फोकस। खाना है और जाना है। Yeah.
प्लान में हो गया चेंज, हम पहुंच गए घर। हाँ जी, हम बेंगलोर आ गए। प्लान तो था तिरुपति में रुकने का, बाद में जब तिरुपति के आसपास आए तभी 5 बज रहा था, फिर जीपीएस में देखे 10 बजे तक बेंगलोर पहुंच जाएंगे अगर आएंगे तो। फिर सोचा चलो यार लॉकडाउन तो है, देखते हैं जिधर जो होगा देखेंगे, कोई अटकाएगा या पूछेगा तो बोलेंगे यार घर ही जा रहे हैं ना, हाँ वो भी तो इमरजेंसी है घर पहुँचना, तो इसलिए आ गए। फाइनली पहुँच गए 10 बज रहा है, और अच्छा है रोड कंडीशन तो पूरा, मतलब गांव से निकले इधर तक बेंगलोर तक तो काफ़ी बेहतरीन रोड है। सिर्फ तिरुपति जो लेफ्ट लिए ना, कौन सा वाला? हाँ, नायडूपेटा से। हाँ, थोड़ा सा रोड कंडीशन, मतलब नायडूपेटा से नेशनल हाईवे 16 से जब हम डाइवर्सन लिए टुवर्ड्स तिरुपति, तो नायडूपेटा से तिरुपति बाईपास वो कुछ 45 to 50 किलोमीटर रास्ता बहुत ख़राब है, बाकी बहुत ही बढ़िया रहा। और बाकी जो एक्सपेंस डिटेल है गांव से इधर तक, पेट्रोल एक्सपेंस, टोल, ये सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उधर अगर किसी को चाहिए तो जाके चेक कर लीजिएगा कितना लगा, मतलब उड़ीसा ब्रह्मपुर से बेंगलोर तक। और क्या, मतलब पता नहीं नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, क्योंकि बेंगलोर में लॉकडाउन चल रहा है, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे कुछ भरोसा नहीं, तो इतना फ्रिक्वेंसी में शायद ब्लॉग ना आए, एक तो आएगा ही आएगा हफ्ते में, हो सके तो दो भी आ सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, जाएंगे किधर तो आपको बताएंगे। और आयुष्मान तो एक्साइटेड है, उसका जो फीस है ना वो बड़ा है, हाँ बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, और वो वाला नहीं, सिर्फ ये वाला नहीं, दोनों बहुत बड़े बड़े हो गए, सिर्फ आयुष्मान बड़ा नहीं हुआ, हम काफी के बड़े हो गए, मच्छी भी बड़ा हो गया काफी के, क्योंकि हम घर ना वो जो कैटेगर है बिल्डिंग का उनको देखे गए थे, तो हफ्ते में आके वो साफ सफाई करते थे, मच्छी को दाना देते थे, प्लांट को पानी देते थे, तो वो सब चल रहा था। चलो जी, रात का 10 बज रहा है, हम भी रेस्ट करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।